फ्रेंड्स, रात का टाइम हो गया है और मैं वापस रेड पाड़ने आ गया हूँ, मतलब यहाँ पे रेड करने आ गया हूँ। और ये हमारे जो कुरियर के मास्टर है वो तो अपने ऑर्डर चालू ही होते हैं, इनके पास ऑर्डर ही होते हैं, मतलब कुछ और काम नहीं होता है, ऑर्डर ही लेते रहते हैं वो। और आज हम मेन देखने वाले परिमल भाई क्या करते हैं, अरे वाह गाइस देखो कुछ देखने मिला है हमको ये वाली शॉप पे। ये देखो हमारे परिमल भाई जो पूरे दिन मतलब चरखिया में ही रहते हैं, और आप देख ही सकते हो क्या लाए हो परिमल भाई, ये सब कुछ अलग ही दिख रहा है। आज हम रेड करने आए आपके ऊपर, क्या आप क्या करते हो? ये देखिए दोस्तों, ये है यूनिस इकबाल लच्छी 0307। और मैं आपको बता देता हूँ, पूरे वर्ल्ड में कोई भी शॉप में आप जाओ, यूनिस इकबाल लच्छी 0307 का इतना बिगेस्ट स्टॉक, ये देखिए बिगेस्ट स्टॉक है, इतना स्टॉक आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा, ना इतने कलर कहीं देखने को मिलेंगे। एक नजर यहाँ कर लो अथर्व भाई, देखिए ये जो है ये सब कलर है यूनिस इकबाल के, लच्छी के सब कलर अवेलेबल है। और देखिए ये इनका नया ब्लॉग आया है जो काला भेड़िया, ये नया ब्लॉग आया है यूनिस भाई का। और आप देख सकते हैं ये 3 रील पांडा में है, ये इनकी भी निशानी होती है, ये गोल्डन चरखी और सिल्वर चरखी इनकी निशानी है। ये उन्होंने बैकलाइट वाली चरखी भी इस बार नहीं बनवाई हुई है, यूनिस इकबाल लच्छी 0307 यूनिस भाई के सिग्नेचर है, हर चरखी पे सिग्नेचर है, कभी इस तरफ है कभी उस तरफ है, हर चरखी पे यूनिस भाई के सिग्नेचर होते हैं। और यूनिस इकबाल लच्छी 0307 देखो स्टील की चरखी में ये 6 रील में आता है, ये पांडा है, ये 12 रील का चरखा होता है, और पांडा मांझा जो है 12 रील की चरखी में 6 रील में आता है, ये इनकी गोल्डन चरखी है, यूनिस भाई के सिग्नेचर है। ये देखिए आप देख सकते हैं डेट, देखिए 5/1/2024, मतलब आप समझ सकते हो कि ये माल हमारे पास 8 से 9 महीने पुराना माल है। अच्छा। मतलब ये माल हम पकाते हैं यहाँ पे, पूरा स्टोर करते हैं, अभी ओपन किया है, अभी बादों का मौसम आया है, इसको ओपन किया है, आप यहाँ से पूरा देख सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप परिमल भाई बोलते हैं, आज वो पता चल गया है कि 8.5 या 9 महीने पुराने मांझे होते हैं जो हमने देख लिया है। ये जनवरी के सीजन में बिकेंगे, जो हमने प्रूफ देख लिया है, मतलब 11 महीने हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए हमारे रेड हमने जो किए वो एकदम सक्सेसफुल है, दिखाने का मना कर रहे थे वो, पर कोई बात नहीं, अब हमने दिखाई दिया है तो आप मस्त है, एक शॉर्ट्स देख लीजिए इसका। तो फ्रेंड्स आपने चरखिया देख ली, परिमल भाई इस ब्लॉग के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए ये पांडा मांझा है, पांडा 0307 लच्छी मांझा है यूनिस इकबाल का, और यूनिस भाई एक ऑनेस्ट पर्सन है, ओरिजिनल लच्छी मांझा बनाते हैं बरेली में। उनका आज ये नया ब्लॉग आया वो भी मैंने बताया आपको कि जिसका नाम है काला भेड़िया, ये भी नया ब्लॉग इन्होंने हमको भेजा है। और इस मांझे की खासियत ये है, ये लच्छी मांझा होता है तार की तरह बनाते हैं, चाइनीज तार होता है जैसे चाइनीज मांझा होता है, वैसे तार की तरह उनकी डोर होती है, आप देख सकते हैं। और दूसरी एक खासियत ये है कि यूनिस भाई जो यूनिक कलर बनाते हैं, उनका नाम यूनिस है और कलर यूनिक बनाते हैं, तो यूनिक कलर जो बनाते हैं वैसे कलर शायद पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई भी मांझा मेकर नहीं बनाता है। ये आप कलर देखिए उनके, हाँ कितने यूनिक कलर है, देखिए ये येलो कलर है, ये वाइन रेड कलर है, ये फिरोजी ब्लू कलर लगता है, ये रानी कलर है, ये पिंक कलर है, ये ब्लैक कलर है,
ये देखिए डार्क कॉफी कलर है, डार्केस्ट ब्राउन कलर बोल सकते हैं या डार्क कॉफी कलर बोल सकते हैं। इसके पश्चात ये एक ग्रे कलर है जिसमें पिंक कलर की गिट्टी पड़ी है। देखिए ये कितना शानदार कलर है, फालसाई कलर बोलते हैं इसको। ये पैरोट ग्रीन कलर है, ये भी फालसाई कलर है पर लाइट फालसाई कलर है। ये ओरिजिनल ग्रीन एंड रेड है, ये ग्रीन है और पीछे रेड कलर है ओरिजिनल वाले। ये देखिए ये इंग्लिश कलर है, इंग्लिश फालसा कलर है ये थोड़ा सा। ये जामुनी कलर है, ये जेड ब्लैक कलर बोलते हैं इसको। ये देखिए ये ऑरेंज कलर है, ये दोस्तों डार्किश ग्रे कलर है, ब्लैक भी नहीं है और ग्रे भी नहीं है, डार्किश ग्रे कलर है। और ये इंग्लिश पैरोट कलर है, इंग्लिश पैरोट कलर है ये, तो आप देख सकते हो पूरा इन सब ऐसे मल्टीपल कलर देते हैं ये रेगुलर। इनके हर टर्की में अलग अलग कलर होते हैं और हर टर्की में नायाब कलर होते हैं इनके, यूनिसिक बाल के। और इनकी जो खासियत है वो ये है, पूरा मांजा आता है, क्वालिटी पूरी आती है, पूरी लच्छी मांजा आता है, एक नंबर मांजा होता है। और हमारे ग्रुप में और हमारे मांजा किंग के जो कस्टमर्स के ग्रुप है उसमें, हमारे पर्सनल ग्रुप में हमने मैक्सिमम टर्की इनकी दी हुई है। तो जहाँ जहाँ पे हमारे रिलेटिव को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को और मांजा किंग के ग्रुप में भी जो कस्टमर ले गए हैं इस टर्की का, मैं आपको एक रिव्यू जेन्युइन देता हूँ। यूनिस भाई का मांजा पिछले साल जितने भी टर्की बेचा था सभी कस्टमर ने रिपीट ऑर्डर दिए है, एक भी कस्टमर ने एडवांस बुकिंग जो आया उसमें सब में जिस जो ये ले गया था वो टर्की वापस लेने आया है, और एडवांस बुकिंग के ऑर्डर में रिपीट हुए हैं, मैक्सिमम ऑर्डर है इसके, और एक भी कंप्लेन नहीं आई। इनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि एक भी कस्टमर ने कंप्लेन नहीं करी है। हम इनके ऊपर बहुत भरोसा करके माल मंगवाते हैं, हर बार ये हमको भरोसा पात्र माल देते हैं, न कभी मांझे में शिकायत आई है, न धागे में शिकायत आई है कभी, न लेंथ में शिकायत आई है। और इनकी क्वालिटी जितने भी मांझा मेकर है बरेली में, टॉप के मांझा मेकर है, उसमें शायद ही ऐसी क्वालिटी कोई देता होगा। ऐसी क्वालिटी उनकी बेहतरीन क्वालिटी आती है, हर हमेशा से आती है, आज से नहीं सालों से आती है। और इनके जैसा जेन्युइन मांझा मेकर बरेली में बहुत कम है, और उसमें यूनिस भाई एक नायाब इंसान है। यूनिस भाई आप इतनी बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं हमको, और हमारे गुजरात में जो मांझा लवर्स है, जो काइट फ्लायर्स है, काइट लवर्स है, उनको इतनी बेहतरीन क्वालिटी देने के लिए थैंक यू यूनिस भाई।